सहरसा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बीते कल सिमरी बख्तियारपुर थाने की पुलिस को दो अभियुक्त को स्मैक हीरोइन के साथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से पुलिस ने 51.31 ग्राम हीरोइन बरामद किया। आज सिमरी बख्तियारपुर डीएसपी मुकेश ठाकुर प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी जानकारी। सिमरी बख्तियारपुर थाने की गश्ती पदाधिकारी को गुप्त सूचना मिली कि दो युवक मादक पदार्थों के साथ सिमरी बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के मकदूमकचक के पास बैग हीरोइन लेकर खड़े हैं और खरीद बिक्री की बात कर रहा है। सूचना मिलते ही गश्ती पदाधिकारी उक्त स्थल पर पहुंचे तो दोनों युवक पुलिस को देखते ही भागने का प्रयास करने लगा, जिसको सशस्त्र बल के सहयोग से पकड़ लिया गया। जब दोनों युवक की तलाशी ली गई तो उनके पास से 51.31 ग्राम स्मैक हीरोइन बरामद किया गया, जिसको लेकर दोनों युवक के विरुद्ध सिमरी बख्तियारपुर थाने में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि गिरफ्तार अपराधकर्मी में एक का नाम मोहम्मद शाहिद आलम, पिता स्वर्गीय कुर्बान अली जो कालियाचक मालदा बंगाल का रहने वाला है, वहीं दूसरा अपराधी का नाम सुरजीत कुमार उर्फ सुमित, पिता कमल किशोर यादव जो भौड़ा सिमरी बख्तियारपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। सिमरी बख्तियारपुर थाना के पुलिस अवर निरीक्षक सुधीर कुमार संध्या गश्ती में थे तो उसी समय उनको गुप्त सूचना मिली कि दो व्यक्ति जो है मादक पदार्थ के साथ जो है स्मैक के साथ जो है समस्तीपुर वाले रास्ते में जो कि निर्माणाधीन NH 107 के पास है वहाँ पर मखदूमचक के पास खड़ा हुआ है और किसी को वो विक्रय करने के लिए इंतज़ार कर रहा है। सूचना के सत्यापन के लिए जब सिमरी बख्तियारपुर पुलिस टीम जो है पूरी गई तो वहाँ पर दो व्यक्ति भागने लगे जिनको कि पकड़ा गया है, और पकड़ के जब उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास से जो है स्मैक जैसा पदार्थ बरामद हुआ है। बाद में जब इसका जो है ये वजन कराया गया तो कुल 51.31 ग्राम जो है स्मैक जैसा पदार्थ बरामद हुआ है, और जो दो व्यक्ति इसमें गिरफ्तार किए गए हैं तो उनका नाम है मोहम्मद शहीद आलम, पिता स्वर्गीय मोहम्मद कुर्बान अली, और ये पितल तल्ला थाना कलियाचक जिला मालदा पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, और दूसरा व्यक्ति जो गिरफ्तार हुआ है वो है सुरजीत कुमार उर्फ सुमित, पिता कमल किशोर यादव, और ये भौरा थाना सिमरी बख्तियारपुर जिला सहरसा के रहने वाले हैं। दोनों गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से दो मोबाइल फ़ोन भी बरामद किया गया है। तो इस प्रकार से इस संबंध में सिमरी बख्तियारपुर थाना कांड संख्या 467/24 भी दर्ज किया गया है, और आगे की अब हम लोग कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं इसमें। सर, ये जो अभियुक्त बंगाल का गिरफ्तार हुआ है, क्या माना जा सकता है कि ये अभियुक्त यहाँ से और माल बेचने के लिए आए हुए? हाँ, ये बंगाल का जो अभियुक्त है, जैसा कि हम लोग को अभी प्राथमिक सूचना है कि ये बंगाल से जो है ये स्मैक को सिमरी बख्तियारपुर थाना क्षेत्र में छोटे छोटे कई खुदरा व्यापारियों को बेचने के लिए ये आए थे, और मौके पर इनकी गिरफ्तारी की गई।